डॉक्टर जो ये रिसर्च आ रही है, अब जो ये वेरिएंट है जिसको कुछ लोग इंडियन वेरिएंट भी बोल रहे हैं, म्यूटेट जो कई बार हो गया, वो ज्यादा कंटेजियस हो गया, ज्यादा आक्रामक हो गया, ज्यादा तेजी से लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। अच्छा देखिए, मैं इसमें ऐसा मानता हूँ पूर्णिमा जी, जितनी रेसिस्टेंस हमारी पुअर होती जा रही है ना, मैं ऐसा मानता हूँ, इसको मैं यूं लेता हूँ कि आपकी लड़ने की क्षमता जितनी कमजोर होती जा रही है ना, आप दुश्मन को उतना ही आक्रामक वर्ड यूज करोगे। और आप अगर अपनी आपकी अपनी क्षमता जब शक्तिशाली होती है ना, तो फिर कितने भी आसपास वायरस रहने दो ना, कितने भी दुनिया के रहने दो ना, तो ठीक है थोड़ी बहुत बॉडी एक दो दिन थोड़ा हरारत प्रॉब्लम कर सकती है, मान लो अगर आपकी स्ट्रांग अच्छी एनर्जी है तो, लेकिन आपको समस्या में नहीं डाल सकती। लेकिन जो भी हो, अब ऑक्सीजन के लिए बताना चाहता हूं कि देखिए, जो नेचुरल जो प्राणवान आहार होते हैं, जैसे फल है, सलाद है, स्प्राउट्स है, जूसेस है, जो क्योंकि बिल्कुल फ्रेश है, उसमें अपना ऑक्सीजन इतना भरपूर होता है कि अगर आपके खाने में इन दिनों में अगर इस तरह के आहार की मात्रा अच्छी रहेगी ना, तो आपके ऑक्सीजन उससे बहुत जबरदस्त सप्लाई होता है। और अगर कुक फूड खाते हैं तो आप क्या करते हो, कुकिंग करते वक्त अभी मान लीजिए स्प्राउट्स है, अब उसमें एक स्प्राउट क्रिएट हो रहा है तो उसमें ऑक्सीजन लेवल डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन और प्राण ऊर्जा भी डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन जैसे ही आप उसको कुक कर दो, आप बॉइल कर दो, उसकी सारी प्राण ऊर्जा समाप्त, अब वो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होकर बाहर ऑक्सीडाइज होकर वो बॉडी में ऑक्सीजन लेके जाएगा, बॉडी को देकर नहीं जाएगा। तो ये कभी भी ध्यान में रखें कि कुक फूड ऑलवेज टेक अवे योर ऑक्सीजन एंड रॉ फूड ऑलवेज सप्लाई ऑक्सीजन टू योर बॉडी। तो लोग कम से कम इस समय बहुत ज्यादा कुकिंग के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, इस समय बॉडी को लड़ने वाले बहुत सिफाई की जरूरत है, अच्छे विटामिन मिनरल्स की जरूरत है, इस वक्त बता रहा हूँ, जो उनको कमजोर नहीं करना चाहिए कुकिंग कर करके, ठीक है। और प्रोसेस फूड रिफाइंड फूड तो हाथ ही नहीं लगाना चाहिए कुछ महीनों तक, ये मैं उनको कहना चाहूंगा। और बाकी जो है, कई लोगों को बुखार आ रहा है इस वक्त काफी, जैसे बुखार वगैरह काफी आ रहा है, तो देखिए कोशिश ये करें कि 103-104 तक जहां तक हो सके उसको बर्दाश्त करें, और उसको ठंडे पानी की पट्टियां रखकर उसको नेचुरल वे से उसको मतलब काम डाउन करने की कोशिश करें। क्यों, कारण क्या होता है, फीवर का एक नियम है कि फीवर अगर सप्रेस हो जाता है ना, तो प्रॉब्लम ये आती है कि बाद में फिर वापस वो कहीं ना किसी रूप में आएगा, तो बॉडी को थोड़ा काम करने देना चाहिए। 100% जैसे बोलते हैं ना, स्टेरॉइड दे देकर, पैरासिटामोल दे देकर उसको एकदम डाउन मत करो, मतलब थोड़ा, देखिए बहुत ज्यादा बेचैनी है तो हमें हर चीजों का लाभ उठाना चाहिए, पर वो मेडिकेशन बहुत लाइट होनी चाहिए। ज्यादा मेडिकेशन करके अगर बुखार को दबा दिया ना, तो फिर आगे आपका वो लंबा चल पड़ेगा, फिर वो धीरे धीरे स्लो फीवर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि फिर 99-100 ऐसे चलता रहेगा, जो लंबा समय खींचेगा फिर। तो इसीलिए, और इस समय आपको भूख नहीं होती, आपको सॉलिड फूड ज्यादा नहीं खाना चाहिए, आपको लाइट फूड ज्यादा खाना चाहिए, और जूस लिक्विड्स पे ज्यादा रहना चाहिए। और चूंकि बॉडी बॉडी में ताकत नहीं होती, क्योंकि बॉडी इस समय बहुत दुखी होती है, उठने बैठने में दिक्कत आती है, तो आपको इस समय रेस्ट का ज्यादा उपयोग करना चाहिए। और रेस्ट का मतलब ये नहीं कि खाली सो रहे हो, फिजिक मेंट यानी कि आईज का रेस्ट, कान का रेस्ट, मुंह का रेस्ट, जो इंद्रियों का रेस्ट बोलते हैं, ये लोग नहीं जानते। फास्टिंग डज नॉट मीन ओनली लाइंग डाउन ऑन द बेड, फास्टिंग का मतलब, रेस्ट का मतलब है एवरीथिंग रेस्टफुल, ताकि आपकी एनर्जी कंजर्व हो, एनर्जी कंजर्व होगी, इट विल फाइट मोर एंड मोर एंड विल रिकवर मोर फास्टर, इस तरह से। तो ये थोड़े से खान पान के मामले में इस तरह की बातों पर ध्यान रखें। और ये तो अब आजकल देखिए व्हाट्सएप के ऊपर इतना सब कुछ आ चुका है, काढ़ा पियो जी, फलाना अजवाइन कपूर सूंघो जी, स्टीम ले लो जी, फलाना प्राणायाम कर लो जी, अब ये तो सब इतने आ चुके हैं कि मुझे कोई नया बताएं जैसा लगता नहीं है। पर हाँ, जिस एरिया में लोगों को जानकारी थोड़ा कम है, तो मैं जरा उस एरिया में ही बताना थोड़ा पसंद करता हूँ।